देखो तो इतना अच्छा है, तुम्हें इतना ही अच्छा लग रहा है तो तुम पहन लो। अम्मी मैंने आपसे कह दिया मैं ये जोड़ा नहीं पहनूंगी, मुझे नया चाहिए। इसमें बुराई क्या है, इतना अच्छा तो है। अम्मी मैंने कह दिया ना मैं ये जोड़ा हरगिज नहीं पहनूंगी। आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं, सब ठीक तो है? परेशान नहीं हूं, कुछ सोच रहा हूं। क्या सोच रहे हैं? मेरा मतलब है अगर आप बताना चाहें या शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। तुमसे शेयर नहीं करूंगा, तुम्हें नहीं बताऊंगा तो और किसको बताऊंगा? इस घर में तुम्हारे अलावा कोई है जिससे अकल और शऊर की बात की जा सके? तो फिर बताइए क्या बात है। जुनेद ने गिरफ्तारी दे दी बेटा, और वो अपने किए पर शर्मिंदा है। मौलवी साहब से भी उसने माफी मांग ली है। ये तो अच्छी बात है मामू जान, इसमें परेशान होने की या सोचने वाली क्या बात है? परेशानी वाली बात नहीं है, ये सोचने वाली बात है। मैं उसके खिलाफ जो कंप्लेन की है मैं उसे वापस लेना चाह रहा हूँ। मौलवी साहब की आंखों में छुपा औलाद से जुदाई का दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। रेहाना से मैंने बात की थी लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। अगर वो वाकई में अपने किए पर शर्मिंदा है तो मामू जान आपको वो ही करना चाहिए जो आपका दिल कहता है, क्योंकि अल्लाह ताला भी माफ करने वालों को पसंद करता है। और फिर हो सकता है आपके इस अमल से जुनेद में मजीद बेहतरी आ जाए और वो नेकी के रास्ते पे चल पड़े। ठीक कह रही है बेटा, आप यहाँ इसकी फजूल बातें सुन रहे हैं और नौरीन आपका इंतजार कर रही है, आपने उसके साथ जाना नहीं है क्या? किस लिए इंतजार कर रही है मेरा और कहाँ चलना है बताओगी या इस तरह घूरती रहोगी? आपको बताया तो था मंगनी का जोड़ा लेना है उसने, पीछे वक्त ही कितना रह गया है। वो अपनी मर्जी का किसी अच्छी जगह से जोड़ा लेना चाहती है, जहाँ वो कहे वहीं ले जाइएगा। मैंने और अम्मा ने बड़ी मुश्किल से मनाया इस रिश्ते के लिए उसको। अच्छा बाबा, जहाँ कहोगी वहां ले जाऊंगा, ठीक है? तन्नो बेटे जाओ, तुम भी तैयार हो जाओ। क्या हो गया आपको, इसको क्यों लेकर जा रहे हैं? घर में इतने काम पड़े हैं, मैं अकेली कैसे करूंगी? हो जाएंगे सारे काम, फिक्र ना करो। जाओ तन्नो, तैयार हो जाओ। मैंने तुमसे कहा ना तैयार हो जाओ, जाके जाओ। इस पिछल पैली से पता नहीं कब जान छूटेगी। मेरा ख्याल है डिनर के लिए 3-4 डिशेस काफी हैं और मीठे में भी 2-3 आइटम जरूर बना लेना, और देखना इंतजाम बिल्कुल ठीक हो, मेरे खास मेहमान हैं। हानिया जी, बेटा तुम कहीं जा रही हो? जी तुम जाओ। क्या कहाँ जा रही हो? मैं अतर से मिलने जा रही हूँ उसके ऑफिस। शगुफ्ता आंटी की कॉल आई थी, उन्होंने कहा था उससे मिल लो। तुम कहीं नहीं जा रही, मुझे शगुफ्ता की ये बात बहुत बुरी लगी। अगर आतिर इस शादी के लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो उसे फोर्स नहीं करना चाहिए था, तुम्हें इस मामले में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। मुझे ये बहुत बुरा लगा है, तुम अभी और इसी वक्त उसे मना कर दो। मामा ये कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं खुद आतिर से मिलना चाहती हूँ। आई रियली लाइक हिम मामा, प्लीज। मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगी। और सुनो, घर पर डिनर है, लोग आ रहे हैं और तुम बाहर जा रही हो। ओह तो ये बात है। मामा प्लीज अभी आप ये सब रहने दें, मैं आतिर को पसंद करती हूँ और इससे शादी करना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे भी फोर्स मत करें। मुझे एक मौका तो दें, क्या पता मेरी मोहब्बत का असर उसके दिल पर हो जाए।
got that? Yeah. Okay. Thank you so much. मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छे टीचर भी हैं। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं। वैसे आपके ऑफिस में लंच का टाइम नहीं होता? I'm so sorry, मैं कामों में भूल गया। क्या खाएंगे? ऑफिस में लंच करना कुछ अजीब सा लगता है। हम बाहर चलें? मैं जरूर चलता लेकिन I'm a bit busy. Please, इतनी मुश्किल से आपने मुझे टाइम दिया है आज, और आपके साथ लंच करने का मौका मैं नहीं गवा सकती, अपनी स्टूडेंट समझ कर प्लीज। आतिर आप एक मिनट यहाँ मॉल पर रुकेंगे? क्यों? मुझे अपनी एक फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेना है। प्रोजेक्ट की इतनी टेंशन थी कि मेरे जहन से निकल गया। I hope you don't mind. Okay. आपको खुदा का वास्ता, आइंदा मेरे रास्ते में मत आइए, और अगर आप वाकई शरीफ आदमी हैं तो इस वास्ते का पास रखिए। मैं उस वास्ते का पास करूंगा, तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा। तुम यहाँ खड़े होके क्या कर रही हो? अब्बा तुम्हें अंदर ढूंढ रहे हैं। शादी मेरी है और जोड़ा तुम पसंद करो, लेकिन मैं एक बात बता दूँ, जो जोड़ा मैं पसंद करूँ वही पसंद करना। चलो यहाँ चलो। देखते रहे ना कितना बढ़िया काम हुआ है, माशाल्लाह है। हाँ माँ बहुत खूबसूरत लग रहा है। अम्मी बहुत महंगा है, पूरे 15,000 का है। क्या पूरे 15,000 का? बेटा ये तो फिर महंगा है। लेकिन अम्मा मेरी बेटी की खुशियों से ज्यादा महंगा तो नहीं है ना? अम्मी वो मेरी दोस्त है ना फायजा, उसने मेरे भाई की शादी में ऐसा ही जोड़ा पहना था, बहुत प्यारी लग रही थी। अरे मेरी बच्ची तू पहनेगी तो शहजादी लगेगी, परी बल्कि मलका रानी है। वो तो है, बस अब्बा के उस लाडी की बुरी नजर ना लगे तो। नजर नजर का टीका लगा दे मेरी बच्ची को और इस जोड़े का सदका भी दे। हाँ माँ सबसे पहले सदका उतारूंगी। मनहूस मारी की नजर तो ऐसी है पत्थर पर पड़े पत्थर को फाड़ दे। जब से आई है नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? होगी अपने कमरे में। अब्बा के सामने तो बड़ी खुश नजर आ रही है, लेकिन अंदर से तो बुरी तरह जल रही होगी, जल कुकड़ी। हाँ माँ पूरी मीसनी है मनहूस मारी।
कौन है वो और क्यों बार बार मेरे सामने आ जाता है? आखिर ऊपर वाला क्या चाहता है? क्यों मैं उसके बारे में बार बार सोच रही हूँ जबकि मेरा उससे कोई ताल्लुक भी नहीं? आतिर, मैं इधर हूँ। मगर वो लड़की जो उसके साथ थी वो कौन थी? उस दिन तो कह रहा था कि आपसे शादी करना चाहता हूँ, बहुत शरीफ लड़का हूँ। और अब उस लड़की के साथ वहां घूम रहा था। पता नहीं और कितनी लड़कियां होंगी जिनके साथ वो घूमता फिरता होगा। आखिर वो भी एक अमीर ज्यादा ही निकला जो लड़कियों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरे जहन में उसकी सोच क्यों आ रही? बस बहुत हो गया, अब मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी। कॉफी बनवाई थी, सोचा साथ में पीते हैं। खैरियत है मामा? आजकल आपने पार्टीज और डिनर्स पे जाना छोड़ दिया। जाना तो नहीं छोड़ा, बस थोड़ा कम कर दिया। क्यों, तुम्हें मेरा घर पे रहना क्या अच्छा नहीं लग रहा? कैसी बातें कर रही है मामा, आप ही वजह से तो इस घर में रौनक। बंद करो ये मक्खन लगाना। अच्छा ये बताओ, आनिया से मुलाकात हुई? क्या कह रही थी, क्या क्या बातें होंगी? लगता है वो तो तुम्हारी फैन हो गई है, इतनी तारीफें कर रही थी तुम्हारी। क्यों ना करे भाई, मेरा बेटा है ही इतना हैंडसम और इंटेलिजेंट। मामा बेहतर होगा हम इस बारे में बात ना करें। क्यों, क्यों बात ना करूं? बात ही तो कर रही हूँ, कौन सा तुम्हें शादी करने का कह रही हूँ? मामा आप इस किस्से को खत्म क्यों नहीं कर देती? चलो खत्म कर देते हैं इस किस्से को, कर लो आनिया से शादी, किस्सा खत्म। मुझे आनिया से शादी नहीं करनी, बल्कि किसी भी लड़की से शादी नहीं करनी सवाए उस लड़की के जो मुझे पसंद है। माय बॉय, इसकी इजाजत तो मैं तुम्हें हरगिज नहीं दूंगी। तुम ऐसी लड़की से शादी करो जिसका तुम्हें नाम नहीं पता, एक मामूली से घराने की लड़की। वो कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है, किस खानदान से है, उसका स्टेटस हमें मैच करता है या नहीं करता? नेवर, कभी नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी, एंड इट्स फाइनल। मामा मुझे मत मजबूर करें कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं जिससे आपको भी तकलीफ हो और मुझे भी। किसका सुख मना रही हो जो खुद को कमरे में बंद किया है? मैं क्यों सुख मनाऊंगी रारी, घर में खुशी का मौका है, मैं बहुत खुश हूँ। वो तो साफ दिख रहा है तुम्हारे चेहरे से कि तुम कितनी खुश हो।
बचपन से तुम्हारे किस्से सुनती आई हूँ कि तुम कितनी मनहूस हो। मुझे दिल से बदवाएं देकर मेरी खुशियों के पीछे मत पड़ जाना। दारा, मुझे तुमसे डर लगता है भाई। कैसी बातें कर रही हो नौरीन? मैं क्यों तुम्हारी खुशियों को नजर लगाऊंगी? बहन हो तुम मेरी, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। जब से बाजार से आई हूँ पता नहीं तुम किन सोचों में गुम। लगता है मेरे जोड़े पे तुम्हारा दिल आ गया है। देखो भाई, अगर तुम्हें वो जोड़ा पसंद है ना तो मुझे बता दो, मैं वो तुम्हें दे दूंगी। मैं अब्बा से कह के दूसरा ले लूंगी, लेकिन खुदा के लिए दिल में हसद मत रखना, वरना मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। सुना है हसद भाई नजर अगर पहाड़ पे पड़ जाए तो वो भी रेजा रेजा हो जाता है। तुम तो ऐसी बातें मत करो नौरी, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि हमेशा मैंने यही कोशिश की है कि तुम सबके दिलों में अपनी जगह बना सको। शायद मुझ में कोई कमी रह गई है जो मैं ऐसा नहीं कर सकी। ओहो, फिर से आंसू बहाने शुरू कर दिए। सुनो मैडम, ये आंसू ना अब्बा को दिखाया करो, वो इन पे जल्दी यकीन कर लेते हैं, मैं नहीं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रख, अगर तुम्हारी हसद की वजह से मेरी जिंदगी में कोई भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब बस भी करो, घर में खुशी का माहौल है और रो रो के तुम मनु से फैला रही हो। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में, एक वादा किया था है जाना।